सोशल मीडिया के इस दौर में सितारों की एक झलक के कई मतलब निकाले जाते हैं, इनमें से कुछ सच तो कुछ अफवाह होती हैं। हाल ही में अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री तारा सुतारिया मुंबई में एक साथ देखे गए तो पहले दोनों के बीच अफेयर की अफवाहें उड़ी। फिर कुछ खबरों में ये दावा भी किया गया कि तारा एक्टर कार्तिक के साथ फिल्म आशिकी 3 में काम करने जा रहे। हालांकि अब आशिकी 3 के निर्देशक अनुराग बसु और निर्माता मुकेश भट्ट ने इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। एक इंटरव्यू में अनुराग ने कहा है कि फिल्म की अभिनेत्री अभी तय नहीं हुई है, इसके नाम पर जो चीजें आ रही हैं सब कुछ अफवाह है। वहीं इस बारे में निर्माता मुकेश ने कहा है कि हर हफ्ते मुख्य अभिनेत्री के तौर पर एक नया नाम सुन रहा हूं। अब ये थकाऊ और पुराना जोक हो चुका है, ये पूरी तरह से बकवास है, इसमें नाम मात्र की भी कोई सच्चाई नहीं है। तारा के बारे में जो कोई भी सोच रहा है, जब तक फिल्म का म्यूजिक तैयार नहीं हो जाता तब तक फिल्म की अभिनेत्री के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वही रिपोर्ट के अनुसार अनुराग बसु ने तो यहां तक कह दिया है कि तारा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बीच तारा ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को एक गुप्त नोट से चिढ़ाया है जो बाद में उनकी फिल्म अपूर्वा के लिए निकला। अभिनेत्री ने लिखा, मैं जिस चीज को आपके साथ साझा करने का इंतजार कर रही थी वो जल्द ही आपके होने वाली है। मेरे दिल का टुकड़ा और सबसे कठिन, सबसे पुरस्कृत काम जो मैंने किया है, अधिक विवरण जल्द ही करूंगी। इसके तुरंत बाद अपूर्वा की टीम ने दिलचस्प फर्स्ट लुक का अनावरण किया और दिल्ली के लाल किले के प्रतिष्ठान लवकुश रामलीला मैदान में भारी भीड़ और जबरदस्त धूमधाम के बीच रिलीज की तारीख की घोषणा की गई। अपूर्वा की बात करें तो ये एक साधारण लड़की की कहानी है जो असाधारण परिस्थितियों का सामना करती है और जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 15 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।